नमस्कार, ऑल राइट चैनल पर आपका स्वागत है। सभा पार्षद राइस अग्रवाल जी ने 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनने के को लेकर जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। हम पहले जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, अब हम सीएमओ ऑफिस आए हैं। आजकल आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, इसमें 1,11,000 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बरेली में बनना है। लेकिन आयुष्मान कार्ड की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसमें कहीं भी ये बाध्यता नहीं है कि एक परिवार में 6 या इससे अधिक लोग हों तब आयुष्मान कार्ड बनेगा। लेकिन यहाँ के सीएमओ ऑफिस में मुझे जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव माननीय जो पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा है और जो कहा है कि 6 या इससे अधिक लोगों की पात्रता होना अनिवार्य है, जो नितांत गलत है। आयुष्मान कार्ड की गाइडलाइन जो मेरे पास है, केंद्र सरकार की है, उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर सरकार को किसी पात्रता में बांधना था तो 60 प्लस बांध देते कि 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो गरीब हो, अगर वो चाहता है तो आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। लेकिन 6 या इससे अधिक की मजबूरी जो डाल दी है उन्होंने, इससे तो व्यक्ति वो पूरा नहीं कर पाएगा और सरकार का भी टारगेट पूरा नहीं होगा। इसी संबंध में मैंने सीएमओ कार्यालय में मैडम से बात की है और मैंने कहा है कि इसमें विरोध का मेरा जो पत्र है, इसमें आप अपना लिखकर सरकार को भेजें। ऐसी मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि सरकार को अवगत कराएं कि इससे आम जन को लाभ नहीं होगा। ऐसी आयुष्मान योजना का कोई लाभ नहीं है जिसमें बंधन बांध दिया जाए। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए, इसीलिए मैं आया हूँ। धन्यवाद।